स्टार्ट विद द टॉपिक. अ टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज़ आइडियलिज्म. सो आइडियलिज्म बेसिकली हिंदी में इसको आदर्शवाद कहा जाता है, और आदर्शवाद की जो विचारधारा है ये एक इसको वेस्टर्न फिलॉसफी की ओल्डेस्ट फिलॉसफी कहा जाता है. और कई लोग हैं जो इसके पायनियर्स हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें सोक्रेटिस और प्लेटो की, और खास करके प्लेटो जिन्होंने इस आइडियलिज्म को काफ़ी योर कमेंट इज विजिबल टू मी एंड एज समवन हैज लाइक द वीडियो सो आई एम गेटिंग द इंडिकेशन दैट आई एम ऑडिबल टू यू ऑल. तो हम लोग बात कर रहे थे आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की. आदर्शवाद को देखिए दो तरीके से पढ़ा जाता है. एक, जब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आदर्शवाद है क्या, आदर्शवाद को कौन से लोग थे जो आदर्शवाद को मानते थे, उनकी क्या विचारधाराएं थीं, और किस तरीके से हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदर्शवाद जिनके सपोर्टर्स हैं. और दूसरी तरीके से हम लोग इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते हुए उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को फोकस करते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर यूजीसी नेट को नेट के क्वेश्चंस आते हैं. तो क्योंकि यहाँ मैं आपकी बीएड या एमएड की क्लास नहीं ले रहा, यहाँ पर हम यूजीसी नेट की कोचिंग चला रहे हैं. तो हम लोग अपने डिस्कशन को, जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ, हम लोग अपने डिस्कशन को कन्फाइन करते हैं टूवर्ड्स द बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो यूजीसी नेट के में आपको क्वालिफाई करने के लिए जो फोकस है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इम्पोर्टेंस और किसी का किसी से डिफरेंस, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद ऑटोमेटिकली आप अपने आप लिख सकते हैं. तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग जो फोकस करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर करेंगे कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग बेसिकली आइडियलिज्म क्या है, और क्या किन चीज़ों पे फोकस करता है, और कैसे हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम लोगों को टारगेट करना है आइडियलिज्म के अंदर. तो उसी को लेके हम शुरू शुरू करते हैं. आदर्शवाद की बात करते हैं. कई सबसे पहले व्यक्ति जिनको आदर्शवाद का एक ये कह लीजिए कि इस आदर्शवाद की दिशा देने का श्रेय जाता है, वो सोक्रेटिस हैं. सोक्रेटिस के बारे में वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो यहाँ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन अभी टाइम को कंस्टेंट देखते हुए हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि सोक्रेटिस जो थे वो यूनान में के दार्शनिक थे, जहाँ पर ये बच्चों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, डायलेक्ट के माध्यम से बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास करते थे, स्पेशली यूथ के अंदर. और कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, अगर आप सोक्रेटिस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो जिन जिन यूथ को इन्होंने पढ़ाया, उन यूथ ने अपनी क्वेश्चनिंग से बड़े बड़े पदों पर जो लोग थे, फॉर एग्जाम्पल एक जज थे जिनको उन्होंने अपने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, डायलेक्ट के माध्यम से उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि बेशक आप जज के पद पर हैं लेकिन आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो यू. क्योंकि सोक्रेटिस कहते थे जिस व्यक्ति से आपको ज्ञान प्राप्त हो सके आपको उसी के साथ ही रहना चाहिए. तो वही बात अपने जो फॉलोअर्स थे, यंग बच्चे थे, उनको सिखाते थे, और जो जो उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे, वो बाहर जाके फिर उन्हीं की बातों को फॉलो को का आचरण किया करते थे. और अलग अलग जगह पर आप देखेंगे, एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है, जहाँ पर उनके उनके सिखाए हुए जो बच्चे थे, जो उनसे बात करते थे, जिनको वो क्वेश्चनिंग या डायलेक्ट के बारे में बताते थे, और जिनको ये गाइड करते थे कि किस तरीके से डायलेक्ट के माध्यम से हम लोग नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं. तो डायलेक्ट मेथड को उन्होंने बताने के लिए इन्होंने क्या किया कि अब इनके जो बच्चे, इन्होंने डायलेक्ट मेथड सिखाया अपने स्टूडेंट्स को, और उनके स्टूडेंट्स वो सीधे पहुंच के एक जज के पास. उस टाइम पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर नहीं होती थी, उस टाइम पे जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुआ करती थी
वो हुआ करती थी, वाद विवाद या जो ज़्यादा बहस कर लेता है, जो ज़्यादा आर्गुमेंट दे देता था, एक सबको बुलाया जाता था जज के अपॉइंटमेंट के लिए। फिर जो जिन लोगों को बुलाया गया है उन लोगों में से जो लोग ज़्यादा आर्गुमेंट कर देते थे, वो आर्गुमेंट चाहे लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो, एक व्यक्ति जो अपने आर्गुमेंट से बाकी सब लोगों को पराजित कर देता था, उसे ही जज बना दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में ऐसे एक जज के पास जब ये बच्चे गए, तो उन्होंने सिर्फ सिंपल एक सवाल पूछा जज से, आप मर्डरर किसको कहेंगे? तो उन्होंने बताया कि मर्डरर वो व्यक्ति जो मर्डर करता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी की जान ले ले उसको मर्डरर कहा जाएगा। तो उन्होंने अगला ही सवाल उनके लड़कों जो उनके शिष्य थे सोक्रेटिस के, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो मर्डर करता है या किसी की जान लेता है उसे मर्डरर कहते हैं? अगर हम लोग बात करते हैं युद्ध की, सैनिकों की बात करते हैं, जो सैनिक हमारे युद्ध में जाते हैं, वो सामने वाले देश के कई सारे दूसरे दूसरे हमारे दुश्मनों की जान लेते हैं, तो क्या वो भी मर्डर कहलाए जाएंगे? क्या आप उनको भी सजा देंगे? तो इस बात पे जज ने अपनी परिभाषा को बदलते हुए कहा कि मर्डर का मतलब हो गया जो पीस माइंड से किसी का मर्डर करता है, वॉर टाइम पे जो मर्डर किया जाए वो मर्डर में नहीं आते। तब सोक्रेटिस के शिष्यों ने कहा कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम इस बात को क्या हम जैसे किसी डॉक्टर से जब कई बार किसी भी वजह से, किसी हल्की सी गलतफहमी की वजह से या फिर किसी दवाई की वजह से, दवाई के रिएक्शन की वजह से जो किसी डॉक्टर ने दी और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो तो पीस माइंड से होती है, तो क्या उस केस में डॉक्टर भी मर्डर कहलाया जाएगा? तो ऐसे में उस जज को एकदम से हैरानी हुई कि ये जो बच्चे हैं काफ़ी यंग बच्चे हैं और इतने ये आर्गुमेंट में मुझे चैलेंज कर रहे हैं, और आई एम अनेबल टू फेसिंग दीज आर्गुमेंट्स। तो इस तरीके से ऐसे आर्गुमेंट्स के जरिए सोक्रेटिस ने क्वेश्चन आंसर मेथड और डायरेक्टिव मेथड को डेवलप करने का प्रयास किया और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया। तो वहाँ उनके ही एक शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो ने सोक्रेटिस से जो ज्ञान लिया और अपना जो उनका आइडियलिज्म की जो थॉट थी और जो विचारधारा थी और जो जिसको वो स्पिरिचुअलिज्म को, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी मानते थे, तो उसको लेते हुए उन्होंने सबसे पहले और सबसे व्यवस्थित और तर्कपूर्ण तरीके से दर्शन की दर्शन अपना दर्शन दिया। और ये कहा जाता है कि प्लेटो पहले ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने दार्शनिक चिंतन को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, और उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया था, और वो कहते थे कि परमात्मा इस सृष्टि का कर्ता है और विचार उसके आधार है, यानी कि इस सृष्टि को अगर किसी ने बनाया है तो वो गॉड है, और किसके आधार पे बनाया है वो आइडियाज हैं। तो इट इज द आइडियाज विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज द बेस, विच प्रोवाइड द बेस फॉर दिस यूनिवर्स, एंड द होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड। और जब हम बात करते हैं द फिजिकल वर्ल्ड की, जो हमें आसपास दिखाई देता है, तो उसके बारे में ये कहते हैं कि द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस इज ऑलवेज चेंजेबल, एंड द थॉट्स एंड आइडियाज दैट वी आर गेटिंग दे आर स्टैटिक, दे आर नॉट चेंजेबल, दे रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत अच्छा आर्गूमेंट दिया, इन्होंने कहा कि कोई मेज या कोई टेबल, मैं कोई भी चीज़ अपने आसपास देखता हूँ, तो हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद वो रहे ना रहे, उसका एग्जिस्टेंस ना रहे, लेकिन उसका जो आइडिया मेरे माइंड में है, दैट आइडिया, वो आइडिया मेरे मन में हमेशा वैसा ही रहेगा कि मेरे घर में एक टेबल थी, उसका वो इस तरीके की थी। तो उन्होंने कहा क्योंकि आइडियाज रेलिवेंट होते हैं, आइडियाज परमानेंट होते हैं, आइडियाज अनचेंजेबल होते हैं, जबकि फिजिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी चेंजेबल होती हैं, तो इसलिए आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एज फिजिकल थिंग जो जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो इस यहीं से उन आइडियलिज्म का हमें आइडिया जनरेट होता है, दैट आइडियलिज्म बिलीव्स इन आइडियाज, आइडियलिज्म बिलीव इन आइडियल्स, आइडियलिज्म बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो आइडिया कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको नोट कर लीजिए, इन कीवर्ड्स का बार बार जब 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 आइडियलिज्म आप पढ़ेंगे कहीं भी, तो ये कीवर्ड्स आपको बहुत यूजफुल होंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर वन, आइडिया, आइडियलिज्म एंड सपोर्टर ऑफ आइडियलिज्म, आइडियाज को सुप्रीम मानते हैं।
नंबर टू स्पिरिचुअलिटी यानी कि आपका अध्यात्म, सेल्फ रियलाइजेशन को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मानते हुए जो आइडियलिस्ट हैं वो आध्यात्मिक संसार को वास्तविक संसार मानते हैं और फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है इसको वो टेम्परेरी या एक सामान्य सामान्य शब्दों में अगर हम समझें तो इसको ये अस्थाई कहते हैं, एवर चेंजिंग कहते हैं, और जो चीज़ एवर चेंजिंग है वो कभी भी रियल नहीं हो सकती, उसको हम लोग रियलिटी नहीं मान सकते। जो चीज़ आज है कल चेंज हो जाएगी फिर चेंज हो जाएगी तो हम इसको रियलिटी नहीं कह सकते। रियलिटी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म आर द आइडियाज विच रिमेन सेम। सो सोक्रेटिस के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने भी आगे चल के अपनी विचारधारा को अपने तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन अरस्तु की विचारधारा और प्लेटो की विचारधारा में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जहाँ प्लेटो ने विचार विचारों के जगत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और वस्तु जगत को कम इम्पोर्टेंस दी है, वहीं पर एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के ही शिष्य थे उन्होंने विचारों के जगत के साथ साथ वस्तु जगत को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है। तो इसलिए उनका जो विचारधारा है वो थोड़ी सी प्लेटो से अलग है, जिसको हम आगे रियलिज्म में पढ़ेंगे। और आइडलिज्म के सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो कई सपोर्टर्स हैं आइडलिज्म के, जैसे हम बात करते हैं डेकार्ट्स की बात करते हैं, स्पिनोजा की बात करते हैं, बर्कले, कांट, हीगल, ऑल दीज आर सपोर्टर्स ऑफ आइडलिज्म। अब हालांकि जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग जो आइडलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग आए, उन लोगों की विचारधारा में थोड़ा बहुत चेंज रहा, थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली आइडलिज्म की दो बातें सबने कॉमनली मानी, और वो दो बातें क्या हैं कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है नंबर एक, यानी कि हर चीज़ का जो जन्म है निर्माण है वो ईश्वर ने ही किया है और वही अंतिम सत्य है, फाइनल ट्रूथ है। एंड सेकेंड थिंग इज मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को पहचानना है, यानी कि जो ये बॉडी है इस बॉडी के अंदर आपकी सोल है जिसकी वजह से बॉडी वॉकिंग है। सो फाइनल एम जो हमारे जीवन का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वी रियलाइज द रियलिटी ऑफ सोल। तो उस रियलिटी ऑफ सोल को रियलाइज करना, और सेकेंड थिंग गॉड इज द फाइनल ट्रूथ, इस बात को मानना, ये दो दो बातें हैं जो सभी फॉलोअर्स ने कॉमनली एक्सेप्ट की हैं। और जब हम बात करते हैं कि ईश्वर अंतिम सत्य है और मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, अध्यात्म को जानना है, तो अध्यात्म को जानने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो यह है कि मनुष्य ऐसे मूल्यों का पालन करे जो शाश्वत हों और ऐसे नियमों का पालन करे जो नैतिक हो, यानी कि शाश्वत मूल्यों और नैतिकता की यदि वो पालन करेगा तभी यह संभव है कि वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगा। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया वो बताया कि आपको शाश्वत मूल्यों को पहचानना होगा। शाश्वत मूल्यों की अगर हम आगे हम बात करेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों को शाश्वत मूल्य कहा गया है, और उसके साथ साथ नैतिक नियमों का पालन किया जाए। तो जब हम इस शाश्वत मूल्यों को समझते हुए नैतिक नियमों का पालन करेंगे तभी हम आध्यात्म को जान पाएंगे और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर पाएंगे। ये एक कॉमन सी चीज़ है, थोड़ा सा क्योंकि आइडियलिस्टिक फिलोसफी है, आइडियल्स हैं यहाँ पर। और अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसमें आपको समझ में आ गया कि आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए नैतिकता और शाश्वत मूल्यों को समझना आवश्यक है, और नैतिकता और शाश्वत मूल्य उनको हम सामान्य भाषा में समझें तो उन्हें आदर्श कहा जाता है, यानी कि आइडियल कहा जाता है। तो अध्यात्म को जानने के लिए, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए हमें नैतिकता को जानना होगा, शाश्वत मूल्यों को जानना होगा, और इन दो इन शाश्वत मूल्यों नैतिकता को जानना, आदर्शों को जानना, इसीलिए ऐसी विचारधारा जो अध्यात्म के जानने पे बल देती है और उसको जानने के लिए नैतिकता का पालन करने पे बल देती है, ऐसी विचारधारा को ही आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्श विचारधारा, आइडियलिज्म या आदर्शवाद कहा गया है। तो होपफुली क्लास
7 बजे शुरू हुई है, टाइम टेबल में पहले से मेंशन था। हो सकता है वो कुछ लोगों तक ये पहुंच ना पाया हो टाइम टेबल, लेकिन ये है कि क्लास आपके रिकॉर्डिंग के रूप में आपके ग्रुप पर आ जाएगी। इन केस अगर कोई इसको मिस कर देता है तो आपके ग्रुप पे अवेलेबल रहेगी। तो अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, थोड़ा बहुत सोक्रेटिस के बारे में बताया मैंने, प्लेटो के बारे में बताया, और किस तरीके से प्लेटो और उसके बाद एरिस्टोटल की विचारधारा अलग होती है उसके बारे में बताया, आइडियलिज्म के सपोर्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और आइडियलिज्म के को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन फाइनली दो बातें सभी में कॉमन है वो मैंने आपको बताई कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, दूसरा मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, और इन दोनों चीज़ों के लिए, इन जो दोनों चीज़ों को समझने के लिए कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, हमें आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, इन दोनों चीज़ों के लिए हमें शाश्वत मूल्यों को समझना होगा और नैतिक नियमों का पालन करना होगा, और शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों को ही आदर्श कहा जाता है, इसीलिए इस विचारधारा का नाम आदर्शवाद कहा गया है। तो होपफुली बहुत ज़्यादा भी मिस नहीं हुआ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने लेक्चर में कई बार चीज़ें रिपीट करता हूँ बिकॉज़ आई नो द लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, फिर वो या नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये टाइमिंग्स जो है वो 6 to 7 और 7 to 8 डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट, अवेलेबल एक्सपर्ट वो दी गई हैं। जब भी आपकी क्लास होगी वो 6 to 8 के बीच में ही होगी, तो अगर आपको 6 बजे क्लास शुरू नहीं हुई है तो ये पॉसिबल है वो क्लास आपकी 7 o'clock शुरू हो जाए। तो आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, अभी हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हम 6 बजे तो कॉलेज से ही आ पाते हैं, उसके बाद फिर एकदम से कॉलेज से आकर, एज यू सेड दैट आइडिया इज अनचेंजेबल बट समटाइम वी चेंज और मॉडिफाई आवर आइडिया। अभी वी ओके आई एम सेइंग आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, आपकी ओपिनियन और आइडिया में डिफरेंस है, आपकी ओपिनियन जरूर चेंज हो जाती है, आपकी ओपिनियन टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते करते चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का मोबाइल आप यूज़ करते थे, दूसरों को देखकर आपने ख़रीद भी लिया, लेकिन ख़रीदते ही दूसरे दिन उसने हैंग करना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी, बेशक वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो उसके बारे में आपकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी, लेकिन मोबाइल का जो स्ट्रक्चर है उसका जो आइडिया है, अगर आपसे कोई 10 साल बाद ही पूछेगा कि वो मोबाइल कौन सा था, वो कैसा था मोबाइल जो आपने 10 साल पहले खरीदा था जो 2 दिन बाद ही खराब हो गया था, तो आप बता देंगे कि वो स्क्वायर शेप में था, व्हाइट कलर का था, ये था, तो वो इस कंपनी का था, तो ये दिस इज द आइडिया। और ओपिनियन आपकी जो है, ओपिनियन इज डिफरेंट थिंग एंड आइडिया इज डिफरेंट थिंग, सो आइडियलिज्म इज टॉकिंग अबाउट आइडियाज। तो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन होगी तो आपको और क्लैरिटी चीज़ों के ऊपर आती रहेगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम हर इज्म के मेटाफिजिक्स, एपिस्टमोलॉजी और एक्सियोलॉजी इस पे फोकस करेंगे, जैसा कि अभी तक सभी अपने भारतीय दर्शन के विभिन्न प्रकारों पे फोकस किया है, इसी तरीके से हम आदर्शवाद में भी, आइडियलिज्म में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तत्व मीमांसा की, यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। अब जब भी आपसे मान लीजिए एमएड में ही सवाल आता है, डिफाइन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन द मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, तो वहाँ बताते हैं दैट बिफोर डिफाइनिंग द मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म लेट अस अंडरस्टैंड मेटाफिजिक्स। सो वहाँ बताते हैं, मेटाफिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियलिटी एंड अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म रियलिटी आर आइडियाज, रियलिटी आर आइडियाज बिकॉज आइडियाज आर अनचेंजेबल, दे रिमेन सेम एंड रियलिटी शुड बी सेम थ्रू आउट द लाइफ। तो इसलिए आइडियाज को ही रियल माना गया है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम इसको थोड़ा और डिटेल में एलेबोरेट करना करने का प्रयास करेंगे और आप थोड़ा सा अपने आंसर को स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, आइडियलिज्म की जब तत्व मीमांसा हमसे पूछी जाती है, मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म की बात की जाती है, तो हम लोग बात करते हैं 4 लोगों की, प्लेटो, प्लेटो लाइबनिस, बहुत लाइबनिस, बर्कले एंड कांट। आई रिपीट,
यस, प्लेटो, लाइबनिस, बर्कले एंड कांट, और उसके साथ साथ हीगल भी, अगर पांचवे लोग की बात करें। अब इन लोगों का नाम इसलिए ले जा रहा है क्योंकि इन्होंने आदर्शवाद में ही अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को यूज़ करते हुए, हल्का स्लाइड चेंज करते हुए फोकस चेंज किया है। जैसे हम बात करते हैं, अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो फोकस करते हैं यूनिवर्स के ऊपर। वो कहते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका वस्तु जगत और एक आपका विचार जगत। वन इज ऑब्जेक्ट वर्ल्ड एंड अनदर इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट वर्ल्ड की, या आपकी मेटेलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं, इट इज एवर चेंजेबल। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, तो ये इसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है, इट इज कॉन्टिन्यूसली, इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। सो और उसी के अंदर विचारों की जब बात, विचार जगत की बात करते हैं, तो उसी के अंदर ही मोरालिटी आती है। तो इसीलिए प्लेटो के द्वारा दिए गए आदर्शवाद को एक और नाम दिया गया है, मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, यानी कि नैतिक आदर्शवाद। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नैतिक आदर्शवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उसका जवाब आपको लिखना है कि नैतिक आदर्शवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो ने दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लेटो ने ब्रह्मांड के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, वस्तु जगत और विचार जगत। वस्तु जगत मेटेलिस्टिक है, एवर चेंजेबल है, उसको ये रियल नहीं मानते। इनके अनुसार विचार जगत यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, इट इज एवर, इट इज स्टैटिक, इट रिमेन्स सेम, इसलिए ये ही रियल है। और इसको फोकस करने के लिए हमें नैतिकता का पालन करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और नैतिकता का पालन करने पे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा बल रहा है, क्योंकि ये बात करते हैं अध्यात्म को प्राप्त करने की, और अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अध्यात्म को प्राप्त करने की जो सीढ़ी है वो आपके शाश्वत मूल्यों का ज्ञान और नैतिकता का पालन है। तो शाश्वत मूल्यों का ज्ञान यानी सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान और नैतिकता का पालन, ये ही आदर्शों का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इनके द्वारा दिए गए आदर्शवाद को नैतिक आदर्शवाद भी कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नैतिक आदर्शवाद किसने दिया, आपका पहला टिक होना चाहिए प्लेटो के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं लाइबनिस की। लाइबनिस, उसको कुछ किताबों में लिबनिस कहा गया है, कुछ किताबों में लेबनिन्स कहा गया है, प्रोनाउंसिएशन यू कैन चेक, बट जहाँ तक मैंने चेक किया है ही इज लाइबनिस। लाइबनिस ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं, हर पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व शामिल है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्पिरिचुअलिटी से अछूता हो, स्पिरिचुअलिटी के बिना हो। तो उनके अनुसार हर तत्व का निर्माण, हर पदार्थ का निर्माण आध्यात्मिक तत्वों से मिलकर बना है, और हर पदार्थ कई सारे तत्वों से क्योंकि मिलकर बना है, इसलिए ये इनके द्वारा दिए गए आदर्शवाद को बहुतत्ववादी आदर्शवाद कहा जाता है। इनकी विचारधारा को बहुतत्ववादी यानी कि प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म कहा जाता है। बिकॉज ही बिलीव दैट एवरी एवरी मैटर ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्पिरिचुअल मॉलिक्यूल्स। तो और एंड बिकॉज दे आर नंबर ऑफ स्पिरिचुअल मॉलिक्यूल्स अराउंड अस, देयरफॉर ही इज टॉकिंग अबाउट प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म। ही इज टॉकिंग अबाउट प्लूरलिस्टिक बिहेवियर ऑफ, देर इज अ क्वेश्चन, वेन इज इथिकल मोरलिटी अनचेंजेबल, इज इथिकल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सी आई विल टेक अप योर क्वेश्चन वेन आई फिनिश विद विद दीज थिंग्स। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। अभी देखिए, फोकस आपका चेंज नहीं होना चाहिए। कारण इसका यह है कि ये हर चीज़ रिलेटेड है, और रिलेटेड अगर आप बीच में थोड़ी सी, अगर मैं आपके सवालों का जवाब देना शुरू कर दूंगा तो हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी। एट द एंड ऑफ माई लेक्चर आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, वहाँ पर आप क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिएगा। येस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइबनिज। लाइबनिज आइडलिज्म इज नोन एज प्लूरलिस्टिक आइडलिज्म, बहुतत्ववादी आदर्शवाद। बिकॉज ही बिलीव दैट एवरी मैटर, एवरी एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड इज हैविंग अ सेपरेट स्पिरिचुअलिस्टिक एलिमेंट इन इट।
एंड बिकॉज ऑफ दे आर नंबर ऑफ मैटर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड, और हर 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 मैटर में, हर तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह के स्पिरिचुअलिस्टिक एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे जो बात करते हैं, ये मल्टीपल स्पिरिचुअल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसलिए इनके द्वारा दिए गए आदर्शवाद को बहुतत्ववादी आदर्शवाद कहा जाता है. इसके बाद प्लेटो के बाद लाइबनिज हमने पढ़ा, और लाइबनिज के बाद तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है बर्कले. बर्कले के बारे में आपने सुना होगा. ही सेड किसी भी वस्तु का आभास या उसके होने का अंदाजा आपको अपने मन की वजह से होता है, यानी कि इट इज योर माइंड विच मेक्स यू टू फील द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. इट इज देयरफॉर इट इज द माइंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इट इज द माइंड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी, एंड इट इज द माइंड विच इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. सो ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग दैट कम्स इन टू माई नॉलेज इट इज बिकॉज ऑफ माई माइंड, एंड देयरफॉर एंड माइंड इज सब्जेक्टिव. मेरा माइंड अलग है, आपका माइंड अलग है, किसी और का माइंड अलग है, एंड देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलिज्म गिवन बाय बर्कले इज नोन एज सब्जेक्टिव आइडलिज्म. द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलिज्म गिवन बाय बर्कले इज नोन एज सब्जेक्टिव आइडलिज्म बिकॉज ही क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का आभास मन की वजह से होता है, वस्तुओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता. अगर हमें मेरे मन में वो किसी चीज़ का आइडिया डेवलप हुआ है, तभी वो वस्तु उसका अस्तित्व है, अदरवाइज उसका अस्तित्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पीछे क्या है मुझे अगर नहीं पता, तो मेरे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है. तो इसलिए इनके द्वारा दिए गए आइडलिज्म को सब्जेक्टिव आइडलिज्म कहा जाता है. अभी तक हम लोग तीन तरह के आइडलिज्म की बात कर चुके हैं, मोरलिस्टिक आइडलिज्म, सेकेंड इज प्लूरलिस्टिक आइडलिज्म, एंड थर्ड इज सब्जेक्टिव आइडलिज्म. इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे व्यक्ति, जिनका नाम है इमैनुअल कांट. कांट ने कहा कि इट इज आवर इंटेलेक्ट, ये हमारी तर्क बुद्धि ही होती है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने विवेक के अनुसार उसको उस उसको उससे डील करते हैं. सो बिकॉज इंटेलेक्ट सॉरी बिकॉज बिकॉज इमैनुअल कांट सेड दैट इंटेलेक्ट इज अ थिंग विच इज द बेस ऑफ नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंड देयर फोर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलिज्म गिवन बाय इमैनुअल कांट इज नोन एज इंटेलेक्चुअलिज्म. इसको बुद्धिवाद, बुद्धिवाद के बारे में बुद्धिवाद भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअलिज्म कहा जाता है. आपसे पूछा जा सकता है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, या द टर्म इंटेलेक्चुअलिज्म इज हु इज द पर्सन इन इन द रेफरेंस ऑफ विच द टर्म इंटेलेक्चुअलिज्म इज कॉइंड. तो इंटेलेक्चुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कैंट के द्वारा आता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इट इज योर रैशनल नॉलेज, इट इज योर इंटेलेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नॉलेज दैट वी आर हैविंग. सो देयर फोर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलिज्म गिवन बाय इमैनुअल कांट इज नोन एज इंटेलेक्चुअलिज्म. देन देर इज अनदर पर्सन, हीगल, एंड ही सेड दैट सोल एंड ऑब्जेक्ट दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ल्ड अलग है, सोल अलग है, तो दे आर हैविंग दीज टू आर हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस. सो सोल का अपना एग्जिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का अपना एग्जिस्टेंस है, एंड क्योंकि इन्होंने वस्तु और आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की सत्ता को स्वीकार किया है, इसलिए इनके द्वारा दिए गए आदर्शवाद को द्वैतवादी, द्वैतवाद या डुअलिस्टिक आइडलिज्म भी कहा जाता है. और क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट, एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब सॉरी एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट एंड एब्सोल्यूट सोल, ऑब्जेक्ट एंड सोल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को ये बिलीव करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को फील करते हैं. दैट इज वाई देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलिज्म गिवन बाय हीगल इज नोन एज ड्यूअलिस्टिक, ड्यूअलिस्टिक आइडलिज्म और एब्सोल्यूट आइडलिज्म, ड्यूअलिस्टिक आइडलिज्म एंड एब्सोल्यूट आइडलिज्म. सो
अभी तक हमने आइडियलिज्म के अलग अलग टाइप्स पढ़े. ऑल दीज आर गिवन, यू विल स्टडी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. तो अभी तक जितने भी हमने आइडियलिज्म के प्रकार पढ़े हैं, एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग, जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो इसको पढ़ लें. प्लेटो हैज टॉक्ड अबाउट मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, देन वी हैव स्टडीड आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू लाइबनिज, विच इज नोन एज प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म, एंड देन वी हैव स्टडीड आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू बर्कले, विच इज नोन एज सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, देन वी हैव स्टडीड आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू कैंट, विच इज नोन एज इंटेलेक्चुअलिज्म, देन आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू हीगल इज नोन एज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर एंड सोल. तो एक इतने इतने लोगों ने अपने अपने तरीके से आइडियलिज्म को एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बात जिस पर ये सभी लोग एकमत हैं वो यह है कि इन सब ने माना कि विचार जगत या आध्यात्मिक जगत, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द हाईएस्ट वर्ल्ड जिसको हमें अचीव करना है, एंड इट इज द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, विच इज द फाइनल फाइनल ट्रुथ. ईश्वर का होना ये ही अंतिम सत्य है. ईश्वर को ये पूरी तरीके से सत्य मानते हैं और ये इस बात में पूरी तरीके से विश्वास करते हैं कि ईश्वर है. और हालांकि ईश्वर के स्वरूप पर, ईश्वर के प्रकार पर वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस को ये कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं. हियर सोल इज वर्ड, सोल मीन्स सोल, आत्मा. अब इस आत्मा को परिभाषित करने के लिए आइडलिस्ट के अकॉर्डिंग सोल इज लाइक एनी थिंग विच इज, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो लिविंग थिंग है वो इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज देर इज अ सोल इन दिस इट. तो बाकी जितनी भी चीजें हैं, सोल आइडलिज्म, देखिए यहाँ पे सोल का मतलब सिंपल आत्मा से है जो कि परमात्मा का ही एक अंश है. दे सेड दैट सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड एंड वी ऑल आर हैविंग अ पर्टिकुलर सोल, एंड वी कैन रिफाइन अवर सोल, वी कैन आइडेंटिफाई अवर सोल, वी कैन नो अवर सोल बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ, जो कि हम लोग आगे आने वाले अभी कुछ समय में पढ़ेंगे. अभी इसी चैप्टर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने सोल को जान पाते हैं. प्लेटो ने कुछ तरीके बताए हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने सोल को जान सकते हैं. हालांकि उनकी प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, वो भी आज के मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में अभी किसी के पास 1 घंटा निकालना ही मुश्किल हो जाता है क्लासेस अटेंड करने के लिए, वो भी फिलोसफी की. और फिलोसफी जब पढ़ाई जा रही होती है तो लोग सोचते हैं कि आसान तो है, उसमें से काम काम की चीज़ें पढ़ लेंगे, सिर्फ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना या उतना ही चाहते हैं जितना काम का हो बस उतना बता दीजिए. अगर थोड़ा सा गहराई में जानने लगो, जैसा कि मैं जैनिज्म में चला गया था तो लोग छोड़ के भाग गए थे फिलोसफी की क्लासेस. इसलिए थोड़ा सा मुझे रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा, अपनी चीज़ों को लिमिटेड रखना पड़ा. अच्छा, अब ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ी मेटाफिजिक्स के अंदर, और मेटाफिजिक्स के बाद हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, विच रेजेज द क्वेश्चन अबाउट नॉलेज, हाउ वट इज द नॉलेज, हाउ वी कैन गेट द नॉलेज, वट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वट इज द रियल नॉलेज. ऑल दीज क्वेश्चंस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, एंड एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. अब देखिए आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि आइडियलिज्म किस में बिलीव करता है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, आध्यात्म में बिलीव करता है. आइडियलिज्म बिलीव करता है गॉड में, तो गॉड में गॉड को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको आध्यात्म के रास्ते पर जाना होगा, और आध्यात्म के रास्ते पर जाने के लिए आपको नैतिकता, शाश्वत मूल्यों का पालन करना होगा. तो ये एक पूरी एक चेन आपकी बनी हुई है, और इतना आपने अगर समझ लिया है तो यदि आपसे पूछा जाए कि अब रियल नॉलेज किसे बोलेंगे, तो फिर प्लेटो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर वही बात आएगी आपके पास कि आप ये पूरा जो यूनिवर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट वन इज ऑब्जेक्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटेलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड.
तो हम स्पिरिचुअल, ये संसार दो भागों में विभाजित है, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार। तो आध्यात्मिक संसार के जो ज्ञान है उसी ज्ञान को ये वास्तविक ज्ञान मानते हैं। अध्यात्म के ज्ञान को, आध्यात्मिक संसार के ज्ञान को, शाश्वत मूल्यों के ज्ञान को, नैतिकता के ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान माना गया है आदर्शवाद के अनुसार। क्लियर होगा आपको। अब बात उठती है, ये तो ठीक है कि आध्यात्म के ज्ञान को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, तो अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे जो सेंस ऑर्गेन्स हैं और जो नॉलेज हम लोग सेंस ऑर्गेन से गेन करते हैं, इट इज़ नॉट द रियल नॉलेज। वो नॉलेज हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज है, मेटेलिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज है, वो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, लेकिन हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने में हेल्प नहीं करेगी। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो हमें रिवील्ड नॉलेज की तरफ जाना होगा। एंड व्हाट इज द रिवील्ड नॉलेज? रिवील्ड नॉलेज इज द नॉलेज गेन्ड थ्रू स्क्रिप्चर्स। जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात, आप उनका चिंतन करने के पश्चात, जब आपके अंदर एक अंदर से ही आपके अंदर जो ज्ञान ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक क्वेस्ट फॉर नॉलेज डेवलप होती है, और उसी क्वेस्ट फॉर नॉलेज के चलते आप थिंकिंग करते हैं, एंड दैट थिंकिंग लीड्स अ पर्सन टू गेन एंट्री इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करनी है तो आपको सेंसरी ऑर्गेन्स के माध्यम से आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं कर सकते। सेंसरी ऑर्गेन्स के द्वारा प्राप्त नॉलेज को ये रियल नॉलेज नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस ऑर्गेन्स इज नॉट द रियल नॉलेज। इन्होंने तीन तरह के ज्ञान की बात करी है। एक वह ज्ञान जो आपको इंद्रियों से प्राप्त हुआ है, इसको उन्होंने नाम दिया है इंद्रिय जन्य ज्ञान, नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस ऑर्गेन्स। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज दैट इज विच आइडलिस्ट टॉक्ड अबाउट। वन इज नॉलेज गेन्ड थ्रू सेंस ऑर्गेन्स, इसको इंद्रिय जन्य ज्ञान कहा गया है। सेकेंड इज सम्मति जन्य नॉलेज, वह नॉलेज जो हमने अपने आसपास से, अपने समाज से, थ्रू डिस्कशन, थ्रू थ्रू डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं, इसको उन्होंने कहा है सम्मति जन्य नॉलेज। द नॉलेज जो सम्मति, यानी कि समान आप जैसे ही लोगों की मति से डिस्कशन करने के पश्चात जो आपको नॉलेज मिलती है, मिलकर जो कोलैबोरेटिव नॉलेज आप गेन करते हैं, डिस्कशन के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, डायलेक्ट के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज को उन्होंने कहा है कि ये नॉलेज पार्शियल ट्रू होती है, पार्शियली ट्रू होती है। और उसका रीजन बताया क्योंकि इससे भी आप पूरी तरीके से अध्यात्म से नहीं जुड़ सकते। हाँ, अध्यात्म के बारे में जान सकते हैं, और ये लेकिन ये नॉलेज अगर आप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये नॉलेज आपको लेकर जाएगी इससे और हाई लेवल पर, जिसका नाम है चिंतन जन्य ज्ञान, नॉलेज गेन्ड थ्रू थिंकिंग अगेन एंड अगेन। जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस से जो आप नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज द रियल नॉलेज। आप में से कोई ये कह सकता है कि सर आप कह रहे हैं कि सेंस ऑर्गेन्स की नॉलेज को रियल नॉलेज नहीं मानते, इधर आप कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से जो ज्ञान होगा वो वास्तविक ज्ञान होगा। तो देखिए, सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से ही आपको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने मात्र से। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, पढ़ने के पश्चात उसके ऊपर यदि आप डिस्कशन करेंगे, डिबेट्स करेंगे, डायलेक्ट करेंगे, तब आपको पार्शियल ज्ञान मिलेगा, पार्शियल नॉलेज मिलेगी, कुछ सत्य ज्ञान मिलेगा। लेकिन अगर आपको संपूर्ण सत्य ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो आपको दूसरों से नहीं, पढ़ने के पश्चात अपने आप से प्रश्न पूछने पड़ेंगे, अपने आप को उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और आपको चिंतन करना पड़ेगा। और जब चिंतन के द्वारा आप ज्ञान को जनरेट करते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं, देन दैट नॉलेज इज द रियल नॉलेज। और वही नॉलेज होगी, वही आपकी आध्यात्म की नॉलेज होगी, वही आपकी नैतिकता का ज्ञान होगा, वही आपके शाश्वत मूल्यों का ज्ञान होगा। तो रिपीट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज इज ऑफ थ्री टाइप्स, सेंस ऑर्गेन्स की नॉलेज, नॉलेज गेन्ड थ्रू डायलेक्ट, नॉलेज गेन्ड थ्रू थिंकिंग प्रोसेस। तो जो आपकी सेंसरी इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान एंड चिंतन जन्य ज्ञान,
इंद्रिय जनित ज्ञान को पूरी तरीके से फॉल्स मानते हैं, उसको असत्य मानते हैं। उसके बाद सम्मति जन्य ज्ञान को ये पार्शियली ट्रू मानते हैं, और तीसरा आपका चिंतन जन्य ज्ञान को ये कंप्लीट नॉलेज या वास्तविक ज्ञान या रियल नॉलेज मानते हैं। इसके अलावा जब एक और व्यक्ति हुए बर्कले, उन्होंने कहा है कि नॉलेज इज द नॉलेज विच वी गेन थ्रू आवर माइंड। वही प्लेटो की बात को इन्होंने सामान्य से शब्दों में बोल दिया कि वास्तविक ज्ञान वह ज्ञान है जो हमें मन से प्राप्त होता है, और मन से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वही ज्ञान आपका वास्तविक ज्ञान होगा। अब मन का ज्ञान कौन सा होगा? मन का ज्ञान वह होगा जो चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जब अपने आप से चिंतन करेंगे, अपने आप से डायलेक्ट करेंगे, अपने आप से वाद विवाद करेंगे, उसके उपरांत जो आपको ज्ञान जनरेट होता है, देन दैट नॉलेज इज द रियल नॉलेज। मेडिटेशन में आप किसी से बात नहीं करते, मेडिटेशन में आप अपने आप से बात करते, मेडिटेशन में आप अपने आ, आ, सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल करते हुए अपने आप से प्रेजेंट में रहने का प्रयास करते हैं, और प्रेजेंट में रहने के लिए आपको ये अपने सेंसेस पे पूरा कंट्रोल करते हुए अपने माइंड को पूरा कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ता है। तो और उसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब तो आप चिंतन के उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे, और जब आप चिंतन के उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे तभी आप अध्यात्म को प्राप्त कर पाएंगे एज पर प्लेटो। एंड इट इज द माइंड और सोल विच असिस्ट यू इन गेटिंग द रियल नॉलेज। एंड अकॉर्डिंग टू कैंट, इट इज योर इंटेलेक्ट यानी कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराता है। तो तीन लोगों ने ज्ञान के बारे में बोला है, मैंने आपको अभी बता दिया। प्लेटो ने ज्ञान के बारे में बोला है, और उसके बाद बर्कले ने बताया कि ज्ञान हमें मन से प्राप्त होता है, और कांट ने बताया कि ज्ञान हमें इंटेलेक्ट से प्राप्त होता है। इसके इसके संदर्भ में हम लोग इंटेलेक्चुअलिज्म पहले समझ चुके हैं। तो अभी तक हमने मेटाफिजिक्स पढ़ लिया, हमने ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एक्सियोलॉजी की यानी कि मूल्य मीमांसा की। मूल्य मीमांसा में अधिकतर लोग यही कहते हैं कि आइडियलिज्म आदर्शवाद है, तो मूल्य मीमांसा में एक ही चीज बच्चों को याद करवा दीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम, बस, और मूल्य मीमांसा हो गई। लेकिन इसका कंटेक्स्ट समझना इतना आवश्यक है कि अगर आप इसका कंटेक्स्ट, इसका संदर्भ नहीं समझेंगे तो आप इसका वास्तविक जो इसकी ब्यूटी है आइडियलिज्म की, उसको नहीं समझ पाएंगे। आइडियलिज्म एक इतना इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट है जो आपको बताता है कि कैसे आप जीवन को जिए, कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनका पालन करना चाहिए। चलिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों के बारे में कहा गया है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस के बारे में बोला गया है, और इन्हीं को शाश्वत मूल्य कहा है प्लेटो ने। प्लेटो के अकॉर्डिंग दीज आर द अल्टीमेट वैल्यूज, ये हमेशा इटर्नल वैल्यूज हैं, लेकिन इनको आप किसी भी ये एक ऐसे किसी भी एलिमेंट के ऐसी परतों की तरह है जिनको आप किसी भी एंगल से, चाहे आप सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्य मीन्स ट्रुथ एंड शिव मीन्स वेलफेयर यानी कल्याण, एंड सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम मीन्स एनीथिंग विच गिव्स प्लेजर टू योर सेंसेज, एनीथिंग विच गिव्स एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को देखने के पश्चात यदि आपको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तो इसका मतलब हर उस चीज के अंदर एक एस्थेटिक सेंस है। तो वही एस्थेटिक सेंस यदि किसी चीज में होगा तो वह कल्याणकारी होगी यानी कि जिसको शिव कहा गया है, और यदि वह कल्याणकारी होगी तो डेफिनेटली वो ट्रुथ होगी, इट विल बी कंसिडर एज ट्रू। और अदर वे राउंड अगर बोले, कोई भी चीज अगर ट्रू है, सत्य है, तो जाहिर सी बात है वो वेलफेयर के लिए है लॉन्ग रन में, और अगर वेलफेयर के लिए है तो डेफिनेटली वो आगे चल के आपको एक एस्थेटिक सेंस प्रोवाइड कराएगी। तो सत्यम शिवम सुंदरम उन परतों की तरह है जिनको आप जितना खोलते जाएंगे वो वापस उसी तरीके से उसी क्रम में आपको मिलते चले जाएंगे। तो मूल मीमांसा की अगर हम बात करें तो ये ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करते हैं, लेकिन अगेन ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस के जो मूल्य हैं, शाश्वत जो मूल्य इनको जिनको कहा गया है, इन शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन आवश्यक है। अगर आप नैतिकता का पालन करेंगे तभी इन शाश्वत मूल्यों को जान पाएंगे और इनको अपने व्यवहार में ला पाएंगे। तो नैतिकता एक कुंजी है इन शाश्वत मूल्यों को अपने व्यवहार में लाने की। और प्लेटो ने कहा है कि इन शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने के लिए आपको नैतिकता लानी होगी, और नैतिक जीवन के लिए आपको धैर्य, संयम,
ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। रिपीट करता हूं, आपके अंदर संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। यदि आप न्याय, और इपिस्टेमोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द टाइप्स ऑफ नॉलेज हमने पढ़ लिया था, उसके बाद बर्कले के अकॉर्डिंग हमने नॉलेज पढ़ लिया था, कैंट के अकॉर्डिंग नॉलेज पढ़ लिया था, देन वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सियोलॉजी, और एक्सियोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम की, कि ये शाश्वत मूल्य हैं, इटर्नल वैल्यूज हैं, और इन वैल्यूज को फॉलो करने के लिए वी नीड टू बी इथिकल, हमें नैतिकता का पालन करना होगा, और नैतिकता का पालन करने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता है, संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। किसी भी कार्य को करते समय संयम बरतें, असफल होने पर धैर्य बरतें, सही ज्ञान प्राप्त करने की ओर बढ़ें और न्याय का साथ न छोड़ें। यदि आप इन चारों चीजों का पालन करते हैं तो आपका व्यवहार नैतिक कहलाएगा, और नैतिक व्यवहार का पालन करेंगे तो आप शाश्वत मूल्यों को प्राप्त कर लेंगे, और शाश्वत मूल्य वो सीढ़ी है जो आपको आध्यात्म की ओर लेके जाएगी, आपको आत्मा के स्वरूप को जानने में सहायता करेगी, और आत्मा के स्वरूप को जानने के पश्चात ही आप आध्यात्म से जुड़ पाएंगे। तो जो आध्यात्म से जुड़ने की बात है, आध्यात्मिक संसार को जानने की बात है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो अभी तक हमने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा के बारे में पढ़ा, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी वाद को पढ़ें, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिन स्टेटमेंट से में आपको आइडिया भी लगता है कि कौन से वाद का हो सकता है, लेकिन अगर आपको हर इज्म, आइडलिज्म, प्रेगमेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब का आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि आप बहुत गहराई से जान चुके हैं कि आइडलिज्म किन चीज़ों को सपोर्ट करेगा, किन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा, कौन सी चीज़ें जो आइडलिज्म के अंदर हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जो आइडलिज्म के अंदर नहीं हो सकती। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद ही आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं, तभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस इज्म को सपोर्ट करती है, क्योंकि हमेशा आपकी पढ़ी हुई स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के मूल तत्वों की, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो दो चार चीज़ें हैं जो मैं पहले बता ही चुका हूँ, सिर्फ उनको रिपीटिशन है, जैसे कि दिस यूनिवर्स इज मेड बाय गॉड, ये संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत अधिक श्रेष्ठ है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, जैसा कि किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है, स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी को जानना है तो पहले आपको अपनी आत्मा को के स्वरूप को पहचानना होगा, और मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, आइडलिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं दैट यू हैव टेकन द बर्थ ऑफ मैन, और इसी जन्म में ही आप आध्यात्म को समझ सकते हैं, तो इसलिए मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ही वह व्यक्ति है, मनुष्य ही वह एनिमल है जो आध्यात्म को समझ सकता है, इसके अलावा कोई और आध्यात्म को इतना नहीं समझ सकता। और आदर्शवाद में कहा गया है कि मनुष्य का जो विकास है वह भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है, और मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य हम अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आत्म अनुभूति, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, आपको अपनी आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्म अनुभूति, अपनी आप जान जाएं कि आप एक आत्मा का स्वरूप हैं, यू आर यूजिंग दिस बॉडी बट अल्टीमेटली यू आर अ सोल, तो इस चीज़ को जब आप जान जाएंगे जिस स्थिति में, तभी कहा जाएगा कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। उसके बाद, और यही आदर्शवाद का भी अंतिम उद्देश्य है, और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का भी अंतिम उद्देश्य यही है। उसके बाद हम बात करते हैं आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए, मैंने आपको बताया कि आपको नैतिक व्यवहार, नैतिक आचरण यानी एथिकल बिहेवियर करना होगा, और एक और बात ये मान के चलते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि आपको जो स्टेट है, यानी कि जो आपको रोजगार देता है, जो आपको आपके लिए नियम बनाता है, इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, और हम लोगों को उसके लिए कार्य करना चाहिए, तो राज्य को ये सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। तो यहाँ से हल्का सा एक देशभक्ति का एलिमेंट भी आइडियलिज्म के अंदर मिलता है हम लोगों को।
और अगर हम शिक्षा की बात करें तो आदर्शवादी लोग जितने भी हुए उनमें से मुख्य रूप से हम बात करते हैं प्लेटो और हर्बर्ट की। अगर हम बात करें जो शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा है, तो प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो शिक्षा को ज्ञान के रूप में, ज्ञान प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानते हैं। और अगर हम हर्बर्ट की बात करें तो हर्बर्ट शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। तो प्लेटो के अनुसार अगर हम शिक्षा की परिभाषा देखें तो बड़ी सामान्य सी परिभाषा है और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ कि शिक्षा का कार्य शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वह योग्य है। मैं रिपीट करता हूँ, शिक्षा का कार्य शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके लिए वह योग्य है। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शंस ऑफ विच दे आर ससेप्टिबल। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शंस ऑफ विच दे आर ससेप्टिबल। और जब हम बात करते हैं हर्बर्ट की, तो हर्बर्ट कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्च्यूज एज पर हर्बर्ट। तो हर्बर्ट की बात करें तो ये प्रोसेस मानते हैं, प्लेटो की बात करें तो ये एजुकेशन को वो एक मीन्स मानते हैं जो आपके बॉडी को और सोल को परफेक्शन देगी, कंप्लीटनेस देगी। तो शिक्षा के यही अर्थ लिए गए हैं आदर्शवादियों के अनुसार। अब हम जल्दी से शिक्षा के उद्देश्य समझते हैं। आदर्शवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है, तत्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य की बात करें तो आत्मानुभूति हम पहले पढ़ ही चुके हैं, और हम तत्कालिक उद्देश्यों की बात करें तो तत्कालिक उद्देश्य में अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको पहले तत्कालिक उद्देश्यों को पूरा करना होगा। और तत्कालिक उद्देश्यों में प्राकृतिक विकास, जिसमें शरीर और शारीरिक और मानसिक विकास आता है, सामाजिक विकास जिसमें हमारे वातावरण का विकास आता है, समाज का विकास आता है, इसके अलावा बौद्धिक विकास यानी कि हमारे विवेक का विकास, इंटेलेक्ट का विकास आता है। और जब हम इन सब का विकास कर लेते हैं तभी हम लोग आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और आध्यात्मिक विकास के दौरान ही हमें आत्मानुभूति हो सकती है। तो मुख्य तौर पे समझें तो इन्होंने आध्यात्मिक विकास, आध्यात्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्म अनुभूति के लिए 4 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप है प्राकृतिक विकास। प्राकृतिक विकास में शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों आते हैं। क्या आप शरीर का भी विकास करें और मानसिक विकास भी करें, तो शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, जो तत्कालिक उद्देश्य में भी आता है और सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मानुभूति के पहले स्टेप में भी आता है। दूसरा स्टेप इन्होंने बोला सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंदर उन्होंने बताया कि आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, आपको एक अच्छा राज्य बनाना है, आपको अच्छे समाज का निर्माण करना है, जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में गुणवत्ता लेके आनी है। तो इन सब के लिए आपका, और इन सब के साथ साथ आपका सामाजिक विकास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक विकास, नेचुरल डेवलपमेंट जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक विकास जिसमें आपके वातावरण, आपके राज्य का विकास होगा, आपके देश का विकास होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास की अगर हम बात करें तो बौद्धिक विकास इंटेलेक्ट या विवेक, विवेक का अर्थ होता है सही और गलत में निर्णय करने की क्षमता। यदि आप राइट और रॉन्ग को अपने इंटेलेक्ट से सही समझ सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, तब कहा जाएगा कि आपके अंदर इंटेलेक्ट का विकास हुआ है। एंड जब आप इन तीनों स्टेप्स के ऊपर आएंगे तब फाइनली आपका आध्यात्मिक विकास के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक विकास के लिए ये 4 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए, रिपीट कर देता हूँ, प्राकृतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें अगर करिकुलम की, तो शिक्षा के करिकुलम को देखिए कॉन्सेप्ट से समझिए, कॉन्सेप्चुअल। अभी अब हमने सब सारी चीज़ों में एक ही चीज़ जानी है कि हम लोग अध्यात्म अध्यात्म का विकास करना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, कौन से सब्जेक्ट से होगा? तो इन्होंने भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इनको प्रमुख स्थान दिया है। हाँ, क्योंकि शारीरिक विकास की बात करते हैं तो इसलिए फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, जब ये सामाजिक विकास की बात करते हैं इसलिए सोशल साइंसेज, और उसके बाद फिर ये
बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो साइकोलॉजी, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को भी है, लेकिन ये सेकेंडरी प्लेस देते हैं सब्जेक्ट्स को। ये प्राइमरी प्लेस देते हैं लिटरेचर को, प्राइमरी प्लेस देते हैं लैंग्वेज को, प्राइमरी प्लेस देते हैं रिलीजन धर्मशास्त्र को, स्क्रिप्चर्स को और एथिक्स को। तो ऐसे एथिकल साइंस को इनमें प्राइमरी प्लेस दिया गया है, और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको उन्होंने प्लेस दिया है लेकिन सेकेंडरी प्लेस दिया है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अनुसार पाठ्यचर्या को बताया है, आप अलग अलग किताबों में पढ़ सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इट, सो इसलिए मैंने उन चीज़ों को अपने डिस्कशन से बाहर कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों में सॉक्रेटिस से अगर हम शुरू करें क्वेश्चन आंसर मेथड, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर मेथड को रिफाइन करते हुए प्लेटो को जाना जाता है डायलेक्टिक मेथड, कन्वर्सेशन मेथड के जन्मदाता के रूप में। इसके बाद एरिस्टोटल को जाना जाता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के रूप जन्मदाता के रूप में, और पेस्टोलॉजी को जाना जाता है अभ्यास और आवृत्ति, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन के मेथड के जन्मदाता के रूप में। फ्रॉबेल जो प्लेवे मेथड के बारे में भी इन्होंने कहा। तो देखिए ये जितनी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं उन सभी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और लास्ट में बता देता हूँ। अध्यात्म को जानना, ईश्वर को जानना और आत्मा को जानना, ये तीनों एक ही चीज़ है। यदि आप आत्मा को जानेंगे तो आप तभी जानेंगे जब आप अध्यात्म को समझेंगे, और अध्यात्म और आत्मा को जान जाएंगे तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे। तो आदर्शवादी इस बात में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर ने ही संसार का निर्माण किया है, और उसको जानने के लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, अध्यात्म को जानने के लिए आपको अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, और आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उन्होंने बताए, प्राकृतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, तभी आप आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे, और इसके अलावा शाश्वत मूल्यों में विश्वास और नैतिकता का आचरण, ये आपको असिस्ट करेगा आध्यात्म की ओर ले जाने में। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम टीचर की बात करें तो आदर्शवादी विचारधारा में बच्चे के विकास के लिए शिक्षा में अध्यापक प्रधान कक्षा का ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का की एडवोकेसी करते हैं, कहते हैं कि क्लास बच्चे के हित के बारे में अध्यापक से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए क्लास में क्या पढ़ाया जाना है ये अध्यापक बच्चों को क्योंकि अध्यापक पहले से जानता है इसलिए अध्यापक ही डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को ये फोकस करते हैं, जिसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और डिसिप्लिन की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करने की, प्लेटो के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट को मना करते हैं प्लेटो। सो समवडी सिंह, आर यू टीचर ऑफ बिहार बोर्ड? उससे कोई आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपको आप यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहे हैं तो अपना जो ताल्लुक है वो यूजीसी नेट से रखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। टीचर बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, कहीं का भी हो, उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी, तो अभी तक मैंने जितना भी आपको डिस्कशन बताया, मैं नटशेल बता देता हूँ आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। फॉर्म्स ऑफ आइडलिज्म मैंने आपको बताई शुरुआत में, फॉर्म्स ऑफ आइडलिज्म पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको आइडलिज्म के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी पे फोकस करना है। आइडलिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग और करिकुलम के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा डिसिप्लिन आइडलिज्म ने कैसा बोला है, टीचर कैसा होना चाहिए, और ओवरऑल आइडलिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ फोकस करना है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर आपको लगता ही नहीं, जो स्टेटमेंट आपने लगता है कहीं आपने पढ़ी ही नहीं है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आपके सामने आती है तो इन दैट केस यू हैव टू डिसाइड दैट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओनली कि ये स्टेटमेंट किस इज्म से रिलेटेड हो सकती है, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करा दूँ,
और स्टिल अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया हुआ है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वहाँ पे रखी जाएंगी। और इसके अलावा आप लोगों का यूजीसी नेट पे डेली क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि आपको ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी रिलेटेड टू आइडलिज्म। येस इट इज़ रिलेटेड टू आइडलिज्म बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एथिक्स। ऑनेस्टी इज एन एथिकल बिहेवियर, और जितने भी एथिकल बिहेवियर हैं ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आइडलिज्म। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आप अपनी और किताबें पढ़कर उनको पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लासेस में आपको और जो बाकी के एग्जाम्स हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे और नोटिफिकेशन आपको भेज दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। पूछा है मोनी पाराशर ने, हाउ टू कल्टिवेट इनर ब्यूटी ऑफ आर हार्ट। द ओनली थिंग इज इनर ब्यूटी को कल्टिवेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। हर प्रेजेंट में जीने का सोच लीजिए। हर वह चीज़ जिसको जिसकी आपके जीवन में आपका प्रयोग होता है, या हर वह चीज़ जिसका आप प्रयोग करते हैं उसके प्रति आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रख लीजिए। आई रिपीट, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिस दिन या जिस पल से आप हर उस चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करना सीख जाएंगे जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने प्रयोग में लाए, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। तो ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आप डेवलप करना सीख जाएंगे तो आपके इनर ब्यूटी के लिए आपको ना सोचना पड़ेगा, अपने आप डेवलप हो जाएगी। थैंक यू सो मच।